हरदोई में किसानों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन लोनार कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बावन में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने किया। यूनियन के जिलाध्यक्ष समर सिंह ने कहा कि हमने बावन विद्युत केंद्र में एक मशीन से 3 फीडरों का संचालन करने की मांग की थी। बैंक ऑफ इंडिया में हो रही घूसखोरी की शिकायत प्रशासन से की गई थी। किसानों के गन्ना बकाया और उसमें हो रही घटतौली पर अंकुश लगाने के साथ ही बिजली के बढ़े हुए दाम को वापस लेने की मांग किसानों ने की थी। समर सिंह ने कहा कि साबिरपुर में आबकारी अधिकारी के संज्ञान में होने के बाद भी खुलेआम भट्टियां चल रही हैं। इस पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर पिछली बार शांतिपूर्वक धरना दिया गया था, जिसमें सदर तहसील और लोनार थाना अध्यक्ष को अवगत कराया गया था। आश्वासन के तौर पर कहा गया था कि 21 दिनों में मांगे पूरी करवा दी जाएंगी। लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस बात को लेकर अब पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। SDO आदित्य कुमार ने SDO टाउन अमित सिंह को किसानों से बातचीत के लिए भेजा, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। बैंक ऑफ इंडिया में हो रही घूसखोरी की खबरों से शाखा प्रबंधक ने साफ इनकार किया है। एक महीने डेढ़ महीने के अंदर आपका घर कार्य पूरा होगा, हम उसी में रख ले जाएंगे, धरना समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो आपकी और मांगे थे उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है, ये सभी मांगों को ऐसी आपकी नाजायज मांगे नहीं। कब तक आप स्थिति है हम यहीं से हम पूछने के बाद आपको बता सकते हैं। कब तक आप अपन दिया है इसमें? इसमें तो डेढ़ महीने का दिया।